हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे ब्लो डाउन पाइपिंग के बारे में। ब्लो डाउन क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, ब्लो डाउन बॉयलर ड्रम से कब कब दिया जाता है और क्या देखकर दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉयलर ड्रम में पानी की कुछ मात्रा, बॉयलर ड्रम से पानी की कुछ मात्रा को ड्रेन करना ब्लो डाउन कहलाता है। मतलब बॉयलर ड्रम के अंदर की क्लीनिंग होता क्या है, जब बॉयलर में वाटर कंटिन्यूस इवेपोरेशन होता है तब बॉयलर वाटर की जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। साथ ही बॉयलर ड्रम में फॉस्फेट का ट्रीटमेंट किया जाता है जिसके कारण से कुछ नॉन अधेरेंट स्लज बन जाता है, कीचड़ बन जाता है, जिसके कारण टोटल डिजॉल्व सॉलिड TDS का लेवल बॉयलर वाटर की बढ़ जाती है। इसीलिए कुछ मात्रा में बॉयलर वाटर को निकाला जाता है और बॉयलर ड्रम से और कुछ मात्रा फ्रेश वाटर ऐड किया जाता है बॉयलर ड्रम में। तो ऐसा करने से नॉन डिजायरेबल डिजॉल्व साल्ट कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है। इसको आप बॉयलर ड्रम तथा फूड ट्यूब्स को डिपॉजिट होने से बचाने के लिए इसे इंटरनल क्लीनिंग भी कह सकते हैं। ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है CBT कंटिन्यूस ब्लो डाउन, ठीक है। दूसरा होता है IBT इंटरमिटेंट ब्लो डाउन, ठीक है। अब ये CBT और IBT कब कब दिया जाता है। सबसे पहले CBT जो है वो कंटिन्यू CBD जो है वो कंटिन्यू ओपन रहता है। इसमें लगातार स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर बॉयलर ड्रम से ड्रेन होता है और इसमें फ्रेश वाटर को मेकअप किया जाता है। इस मेथड में क्या होता है, जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहता है और इसकी लाइन जो होती है, जिसकी जो पाइपलाइन होती है यहाँ ऊपर से तक कनेक्ट रहता है, ठीक है। दूसरा होता है IBD इंटरमिटेंट ब्लो डाउन। इसमें क्या होता है, जब वाटर की क्वालिटी CBD से कंट्रोल नहीं होता है तो इसे बीच बीच में खोला जाता है। ये बॉयलर ड्रम में सेटल स्लज को रिमूव करता है और ये इसका जो पाइपलाइन कनेक्ट रहता है यहाँ नीचे से रहता है सिंगल ड्रम में, और बाई ड्रम में मड ड्रम से कनेक्ट रहता है। और IBD की लाइन CBD की लाइन की कंपेयर में साइज में ये बड़ा होता है। IBD को ओपन किया जाता है जो DM प्लांट में केमिस्ट होता है उनके एडवाइस पर, क्योंकि केमिस्ट ही बॉयलर की वाटर क्वालिटी पैरामीटर को कंट्रोल करता है रनिंग बॉयलर में।